हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेन्योर अकाउंट्स में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक नया टर्म पढ़ेंगे और इस टर्म का नाम है एक्रूड इनकम। तो ये क्या होता है और इसकी एंट्री टैली में हमको कैसे पास करनी होती है और कहाँ पास करनी होती है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्रूड इनकम क्या होता है। देखिए, कोई ऐसी इनकम जिसके आप हकदार हैं और जो आगे चल के आपको रिसीव होगी, मतलब अभी आपको रिसीव नहीं हुई है लेकिन आगे चल के इस तरह की इनकम आपको रिसीव होगी। तो इस तरह की सारी इनकम जो आपको, जिसके आप हकदार हैं और आगे चल के आपको फ्यूचर में रिसीव होगी, इस तरह की सारी इनकम को हम कहते हैं एक्रूड इनकम। चलिए एक एग्जांपल के बेसिस में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक कंपनी, आपने किसी को लोन दे रखा है, तो जिसको आप लोन देंगे वो आपको ब्याज देगा, यानी कि इंटरेस्ट देगा। तो जो इंटरेस्ट है आपको फ्यूचर में रिसीव होगा, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको फ्यूचर में रिसीव होगा, ये आपका यहाँ पे एक्रूड इनकम यहाँ पे होगा। तो जो इसकी एंट्री होती है, जो हम यहाँ पे पास करते हैं टैली में, वो होती है एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, और अमाउंट आपको डाल देना जो आपको रिसीव होगा, टू इनकम अकाउंट कर देंगे जितना आपको यहाँ पे अमाउंट रिसीव होगा। चलिए एक एग्जांपल के बेसिस में समझते हैं। जैसे कि लोन इंटरेस्ट ऑफ ₹8,000 स्टिल टू बी रिसीव्ड, यानी कि आपने किसी को लोन दे रखा है और जिसको भी आपने लोन दे रखा है वो आपको 8,000 एज ए इंटरेस्ट यहाँ पे देगा। तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 8,000 टू इंटरेस्ट यहाँ पे 8,000। इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट इसने करेंगे क्योंकि ये हमारी एक इनकम है। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत जितनी भी इनकम होती है उनको हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट क्योंकि एक पर्सनल अकाउंट है, इसी के चलते हम इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे जितना अमाउंट आपको यहाँ पे रिसीव होगा उस पार्टी से जिसको आपने यहाँ पे लोन दे रखा है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो एंट्री होती है वो टैली में आपको कहाँ पे पोस्ट करनी है। देखिए, जो इसकी एंट्री होती है वो जनरल वाउचर में यहाँ पे पोस्ट होगी, जिसका शॉर्टकट होता है F7। तो यहाँ पे आपको दो लेजर बनाने होंगे, एक होगा इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट को आपको इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में डालना है। जो दूसरा लेजर होगा वो होगा एक्रूड इंटरेस्ट का और ये जाएगा ग्रुप करंट एसेट के अंदर। तो ये होता है एक्रूड इनकम और इसकी एंट्री क्या होती है और कहाँ पे पोस्ट होती है, मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।